गोल्डन कप हलदी जहाँ स्पोर्ट्स क्लब हलदी द्वारा आयोजित होती छोटी दल अंशग्रहण करते आज फाइनाल एमएमसीसी संबलपुर सहित राइजिंग स्टूडेंट फाइनाल उत्तीर्ण होते आप देखुं कि चित्ताकर्षक मैच एवं दर्शक केमी भरपूर होती है राइजिंग स्टूडेंट विजय होती एवं आम सब चेष्टा कर गोल्डन कप अलती जोटा एवं 29 वर्ष पदार्पण करती सबूत आम प्रयास जारी रोचे ये अंचल क्रिकेट उन्नति करवा एवं क्रिकेट माहौल को कमी भल भाव रखा एवं स्पोर्ट्स उन्नति कर आम क्लब्र लक्ष्य अलतीर लक्ष्य यह एक ऐतिह्यपूर्ण गाँ तेणु सबूत आम सब प्रयास जारी रखू जे आम कमी क्रीड़ा उन्नति कर आपण वातावरण देखुले कि कहार ना स्पोर्ट्स क्लब अलती जो सुंदर ऑर्गेनाइज करी निश्चित भावे कहबी ओडिशार एक अग्रणी टूर्नामेंट अलती ठारे आयोजित हुए कि एथर सबुठू आहरी बहुत बड़ आकार टूर्नामेंट हो धन्यवाद देवी स्पोर्ट्स क्लब अलतीर समस्त सदस्य को विशेषकर बड़ भाई रतिकांत बराल तांको नेतृत्व रे तांको सहयोगी मानंक द्वारा जो सुंदर टूर्नामेंट आयोजित होई निश्चित भावे आम अंचल पई एक गर्वर एवं खुशीर मुहूर्त। क्या कैसा लग रहा है, क्या कहिए? फाइनल मैच फाइनल के जैसा हुआ, दोनों टीम बहुत ही अच्छा खेली है और मैं सुन रहा था कि यहाँ ऑलमोस्ट लास्ट 10-12 साल से टूर्नामेंट चल रहा है, अच्छा बात है। और उड़ीसा में लोकल टूर्नामेंट बहुत अच्छे होते हैं जिसके लिए यहाँ से बहुत कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, उड़ीसा आया वो खेलने के लिए और यहाँ जैसे बहुत ऐसे दोस्त लोग हैं जो जिनसे मैं मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर गोल्डन बॉयज जो है यहाँ के जो करवा रहे हैं जितने भी स्पोर्ट्स क्लब के जो लोग हैं और अच्छा लग रहा है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स में आने में। थैंक यू थैंक यू।